व्हाट्स अप गाइस, दिस इज संदीप कुमार। आज बहुत से लोगों के मेरे पास मैसेज आते हैं कि सर, हम जब जिम में एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, थोड़ी देर के बाद ही हमारी बॉडी में थकान महसूस होने लगती है और हम एक्सरसाइज ढंग से नहीं कर पाते हैं, उसका रीज़न क्या है? तो गाइस, मैं आपको बता दूं कि उसका रीज़न होता है प्री वर्कआउट फूड, कि आपने एक्सरसाइज से पहले क्या खाया है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि आपको जिम में एक्सरसाइज करने से पहले क्या खाना है, जो आपकी बॉडी में पावर बनाएगा और आपके एक्सरसाइज के टाइम में आपकी जो बॉडी है वो थकेगी नहीं। तो जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के साथ में बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। इसका फ़ायदा आपको ये होगा, जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगा, आपके पास उसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो गाइज, प्री वर्कआउट की हम बात कर रहे थे। प्री वर्कआउट होता क्या है? प्री वर्कआउट हम उसको बोलते हैं जो डाइट हम एक्सरसाइज से पहले ले रहे हैं। बहुत से लोगों की आदत होती है कि वो जिम में जाने से पहले कुछ खाते नहीं है, खाली पेट ऐसे चले जाते हैं। थोड़ी देर के बाद उनकी एनर्जी खत्म हो जाती है और वो फिर एक्सरसाइज ढंग से नहीं कर पाते, उनका रिजल्ट उन्हें नहीं मिल पाता। क्योंकि जब एक्सरसाइज नहीं होगी तो हमारे जो डाइजेशन है, जो भी हम डाइट ले रहे हैं, वो नहीं हो पाएगी, ना ही हमारा जो ग्रोथ है बॉडी की वो नहीं हो पाएगी। तो प्री वर्कआउट बहुत ज़रूरी है। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि कभी भी आपको खाली पेट एक्सरसाइज नहीं करनी है जिम में, प्री वर्कआउट मील लेना ही लेना है आपको। अगर आप सप्लीमेंट के रूप में प्री वर्कआउट लेना चाहते हैं तो बहुत से प्री वर्कआउट मार्केट में है। प्री वर्कआउट आप सप्लीमेंट के रूप में ले सकते हो, सबसे आसान श्योर चीज़ है। जो लोग एडजस्ट नहीं कर पाते हैं डाइट, तो उनके लिए प्री वर्कआउट वो रिकमेंड करता हूँ मैं। अगर आप प्री वर्कआउट सप्लीमेंट के रूप में नहीं लेना चाहते हैं, तो मैं आपको आज ऐसे कुछ फूड के बारे में बता रहा हूँ जो आपकी उस प्री वर्कआउट फूड के बारे में आपको बताऊंगा कि जो आपकी एनर्जी बनाए रखेंगे और एक्सरसाइज के टाइम में आप जल्दी थकेंगे नहीं। जब हम एक्सरसाइज करते हैं गाइज, तो जब हम हैवी एक्सरसाइज कर रहे हैं, उस टाइम हमारे जो मसल है वो टूट जाते हैं। अगर आपने प्री वर्कआउट फूड नहीं लिया है या प्री वर्कआउट नहीं लिया है, तो उनकी रिकवरी नहीं हो पाती है साथ के साथ। तो हमारे प्री वर्कआउट का जो काम है वो यही होता है कि हमारे बॉडी के अंदर एनर्जी बनाए रखना, ताकि हमारी बॉडी के जो मसल है वो जल्दी ना टूटे और हमारी बॉडी जल्दी थके नहीं। तो अगर आप प्री वर्कआउट सप्लीमेंट के रूप में नहीं लेना चाहते हो, तो उसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे कौन से फूड हैं जो आप प्री वर्कआउट के रूप में ले सकते हो। तो एक्सरसाइज से पहले आप कोई भी डाइट कर रहे हो, तो गाइस सबसे पहले आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जो डाइट आप ले रहे हो प्री एक्सरसाइज से पहले, उसमें फैट की मात्रा बहुत कम होनी चाहिए, क्योंकि फैट को डाइजेस्ट होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो आप इस बात का खास ध्यान रखें कि जो भी आप डाइट लें, उसमें फैट की मात्रा कम होनी चाहिए। अब दूसरा बात यह है गाइज कि जो भी आप फूड लोगे, उसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट ही एक ऐसी चीज़ है, जब भी हम कोई हार्ड वर्क करते हैं, उसके लिए कार्बोहाइड्रेट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अब मैं आपको बताऊंगा वो कौन से फूड है जो आप प्री वर्कआउट के रूप में ले सकते हो। एक तो होते हैं गाइज वाइट एग, जो अंदर का उनका पीले वाली गोली होती है, जिसको हम बोलते हैं पार्ट होता है, जो पीले वाला अंडे के अंदर का, आप उसको निकलवा के वाइट एग ओनली खा सकते हो। उसमें प्रोटीन के सोर्सेज बहुत ज़्यादा होते हैं। दूसरा होता है गाइज स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो में कार्बोहाइड्रेट का बहुत ज़्यादा सोर्स है स्वीट पोटैटो, तो आप उसको ले सकते हो। और तीसरा है केले, जिनसे पहले 2 या 3 केले आप खा सकते हो, उसमें भी कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। और चौथा है कॉफ़ी। कॉफ़ी आपके अंदर के जो मेटाबॉलिज्म होता है, उसको तेज़ कर देती है। सो ये चारों आप प्री वर्कआउट के रूप में यूज कर सकते हो, आप इनको ले सकते हो। एक्सरसाइज के टाइम में आपकी एनर्जी बनी रहेगी और आप ढंग से एक्सरसाइज कर पाओगे, हाई एक्सरसाइज कर पाओगे, हैवी वेट की एक्सरसाइज कर पाओगे। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है गाइज, कि आपने खाली पेट कभी एक्सरसाइज नहीं करनी। प्री वर्कआउट के रूप में आपने कुछ ना कुछ लेके जाना है, या प्री वर्कआउट लो या प्री वर्कआउट फूड जो अभी मैंने आपको बताए हैं उनको ले सकते हो। और ऐसे फूड नहीं लेने जिसमें फैट की मात्रा ज़्यादा हो। तो गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और कमेंट करना ना भूले, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और आगे अपनी फ्रेंड लिस्ट में ये वीडियो जरूर शेयर करें। थैंक यू गाइज।